खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अब ये कहावत हरियाणा में सच होती हुई नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा की पूरी रिपोर्ट छठे चरण के मतदान से पहले हमने आपको दे दी थी कि 25 तारीख को वोटिंग से पहले ही क्या रिपोर्ट है, क्या जमीनी हालात हैं, आप देख लीजिए। लेकिन अब वोटिंग के बाद बताया जा रहा है कि 6 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है और 4 सीटों पर टफ लड़ाई जो है वो बताई जा रही है। अब क्या कुछ होगा वो तो 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन 4 जून से पहले ही मनोहर लाल खट्टर ने बता दिया है कि बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर खिसियाए हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत करके रोहतक और सिरसा समेत कई इलाकों में फर्जी वोटिंग करवाई है, कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की गई है, इसीलिए उन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। और इसीलिए जनता ये कह रही है कि अब मनोहर लाल खट्टर खिसियाए हुए हैं, इसीलिए वो खंभा नोच रहे हैं, इसीलिए वो अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी हरियाणा में पूरी तरीके से साफ हो गई है। अब जब बीजेपी की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा, फर्जी वोटिंग हुई है, तो फिर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पर जनता खुद ये कह रही है कि अगर इस तरीके से बीजेपी कह रही है कि चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो सवाल तो हरियाणा सरकार पर ही उठते हैं, शासन प्रशासन व्यवस्था पर उठती है कि आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पाए। अगर वोटिंग के दौरान कहीं फर्जी वोटिंग हो रही थी तो उसे रोकना चाहिए था, तुरंत उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। मतलब अब फर्जी वोटिंग हो गई, मतलब आप पूरी तरीके से नाकाम हो गए, अब अधिकारियों पर आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है, हरियाणा की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी आ गया, उनका ये कहना है कि बीजेपी हार गई है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए वो बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर ही खलबली मची हुई है, नेता जो है एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हरियाणा में पूरी तरीके से बीजेपी साफ नजर आ रही है। तो सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा का बयान, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक्शन लेने की बात पर, जो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई थी अधिकारियों पर, उस पर सुनिए। सर, पूर्व सीएम है मनोहर लाल, वो कह रहे हैं कि कुछ जगह पर अधिकारियों के द्वारा जो बोगस वोटिंग है वो आज जो है कराई गई है, एक्शन भी लिया जाएगा ऐसे अधिकारियों को लेकर। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनके? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे हुए ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें, उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो, ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियाँ दे रहे हैं भाई, किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं? तो सुना आपने, भूपेंद्र हुड्डा का भी यही कहना है कि सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं शासन प्रशासन व्यवस्था पर कि आपके बूथ एजेंट थे वहां पर, अगर कहीं पर ऐसी रिपोर्ट आई थी तो आपको एक्शन लेना चाहिए था, अब आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप हार रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बीच में टांग खिंचाई चल रही है, कोई कह रहा है कि आपकी वजह से, कोई कह रहा है कि आपकी वजह से। अंदर खाने की खबर यह है कि अनिल विज और इस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन सबके बीच में खींचतान चल रही है। देखना होगा 4 जून को क्या होता है, लेकिन बीजेपी ने हार मान ली है।